एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। आपको बता दें कि लॉकडाउन लगने के बाद प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से संपूर्ण समाधान पर रोक लगा दिया था। शासन ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसके 50 फरियादियों की फरियाद सुनने की व्यवस्था थी, जिसे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि समाधान दिवस में लगभग 25 से 30 लोग भूमि विवाद से संबंधित लोग आए। उन्होंने बताया कि गोरखपुर पहल के तहत तहसील की टीम गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रही है और वहीं पर मौके पर ही उसका निस्तारण कर रही है, जिससे समाधान दिवस में शिकायतों का आना कम हुआ है। इस मौके पर तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, अपना हर काम व्यवस्थित करते रहते हैं। Gracias.
लॉकडाउन बहुत पहले दिन समाधान दिवस लगा, कैसा रहा, कितने फरियादी यहाँ पर समस्या? देखिए, लॉकडाउन के बाद पहला समाधान दिवस है, परंतु शासन के निर्देशानुसार और डीएम सर के निर्देशन में हमने हर गांव-गांव जाके जागरूकता शिविर, कोरोना के जागरूकता शिविर और गोरखपुर पहल के तहत अन्य विभागों के साथ हर गांव में हमने लगाया था। लगभग 110 गांव हमने कवर किए थे। उसका परिणाम ये रहा कि मौके पे ही हमने हमारे राजस्व विभाग की टीम, विकास विभाग की टीम, सप्लाई विभाग की टीम, पुलिस की टीम ने मौके पे ही मैक्सिमम जो विवाद थे उनको सॉर्ट आउट कर दिया। अभी भी हम ये शिविर लगातार कंटिन्यू हैं। तो परिणाम इसका ये रहा कि जो ऐसे गांवों से शिकायतें आना बहुत कम हो गया है। अब चूंकि समाधान दिवस का पहला दिन है आज लॉकडाउन के बाद, तो हम इसमें भी देख रहे हैं इसका प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है कि जिन जिन गांवों में हम गए हैं उन गांवों से शिकायतें नहीं आई हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि लोग तहसील कम आए, हम ही लोगों के पास बीच में पहुंच जाएं हर गांव में जाके, तो ये भी चल रहा है। अभी इसके लिए हमने गोरखपुर पहल के तहत और श्रावस्ती मॉडल के अंतर्गत कई गांव हमने एक वीक में एक गांव लेते हैं और उस गांव में जाकर सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस तरीके की कार्यवाही हम पिछले 2.5 से 3 महीने पहले से कर रहे हैं। पहला समाधान दिवस है, लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई, लगभग 25 के आसपास शिकायतें आई हैं। ज़्यादातर शिकायतें भूमि विवाद के संबंध में हैं, पैमाइश के संबंध में है, और कुछ लोग अपना अटेस्टेशन वगैरह कुछ कराने आए थे। बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि समाधान दिवस आपके जो हम कार्य करते हैं, तहसील का जो कार्य करते हैं, उसका बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है। तो हम गाँव में गए हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव ये है कि लोग यहाँ पे टर्न अप कम हो रहे हैं, गांव में ही लोगों की शिकायतों को समाधान हो जा रहा है। पहली बार टोकन सिस्टम प्रणाली लागू की गई, ये बेसिकली कोरोना संक्रमण काल में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्पष्ट है कि 50 लोगों को ही आप सुनेंगे, एक साथ 5 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं, और टोकन व्यवस्था के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड मानकों का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये सुनना है। तो इसीलिए टोकन व्यवस्था इसलिए ताकि लोगों में डिस्टेंसिंग रहे और कोविड मानकों के तहत ही समाधान दिवस आयोजित किया जा सके।